हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक सम्मल और मेरे पास एक फ़ोन है रेडमी ए टू प्लस, जिसमें आपको मिलेगा। इसमें देखिए पीछे फिंगरप्रिंट का सेंसर जो है वो वाला सेट है, जिसमें लगा है आपका पैटर्न लॉक। तो कैसे इस लॉक को रिमूव करेंगे आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो लॉक को रिमूव करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपको अपना मेल आई डी और पासवर्ड याद होना चाहिए और फ़ोन में मिनिमम आपका 50% चार्ज भी होना चाहिए और जितने भी डाटा है फ़ोन में सब कुछ वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रोसेस में, स्टार्ट करते हैं। अभी फ़ोन को क्या करना है, अभी करना है आपको पावर ऑफ। फ़ोन हो चुका है यहाँ पर पावर ऑफ। फ़ोन पावर ऑफ होने के बाद देखिए आपको इस साइड में मिलेगा वॉल्यूम प्लस माइनस और पावर ऑन की। तो क्या करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ मतलब वॉल्यूम प्लस को प्रेस करके पावर ऑन की को प्रेस करना है। जब सेट ऑन हो जाए तो आपको पावर ऑन की को छोड़ देना है, लेकिन वॉल्यूम प्लस को पकड़ के रखना है। देखिए मैं अभी पावर ऑन की को छोड़ दिया, वॉल्यूम प्लस को ऐसे ही पकड़ के रखा हूँ अभी। अभी वॉल्यूम प्लस को छोड़ दीजिए। अभी आ रहा है आपका नो कमांड। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है नो कमांड। तो हमको अभी देना है कमांड। कमांड कैसे देंगे देखिए, पावर ऑन की को प्रेस करके वॉल्यूम प्लस को एक बार प्रेस करना है। देखिए मैं करता हूँ अभी, पावर ऑन की को प्रेस किया, देखिए पावर ऑन की को प्रेस किया वॉल्यूम ऑफ को एक बार प्रेस कर लिया, आ गया आपको ऐसे स्क्रीन आ जाएगा, एंड्रॉइड रिकवरी का स्क्रीन ऐसे आ जाएगा। तो क्या करना है अभी, वॉल्यूम माइनस को यूज करना है। वॉल्यूम माइनस से आना है नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर वाइव डाटा फैक्ट्री रिसेट। वॉल्यूम माइनस को यूज करके मैं नीचे आया, लिखा हुआ है वाइव डाटा फैक्ट्री रिसेट वॉल्यूम माइनस। ओके, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम माइनस को यूज किया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर पावर ऑन की को एक बार प्रेस कर लेना है। उसके बाद पावर ऑन की, यहाँ पर पावर ऑन की को क्या करना है, एक बार प्रेस कर लेना है। मैं कर लिया एक बार प्रेस, आ गया कैंसल और फैक्ट्री डाटा रीसेट, आ गया ना कैंसल और फैक्ट्री डाटा रीसेट। तो फिर से वॉल्यूम माइनस को यूज करना है, आना है फैक्ट्री डाटा रीसेट पर, फिर से पावर ऑन की को एक बार प्रेस कर लेना है। देखिए अभी नीचे अभी फॉर्मेटिंग डाटा कंप्लीट, डाटा वाइप कंप्लीट, फिर से पूछ दिया आपको रिबूट सिस्टम नाउ, फिर से पावर ऑन की को क्या करना है, एक बार प्रेस कर लेना है पावर ऑन की को। फोन आपका ऑफ होके फिर से फोन ऑन होगा। अभी देखिए आपको वेट करना है पूरा फोन ऑन होने तक, हम भी वेट करते हैं पूरा फोन ऑन होने तक। ओके, उसके बाद में बताऊंगा क्या करना है। दोस्तों देखिए आपको ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर करना है आपको हेलो आ जाएगा, ऐसे स्टार्ट करना है आपको और इंडिया रहेगा सिलेक्ट नेक्स्ट। यहाँ पर आई हैव रीड ऑल द एग्रीमेंट, यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ पर स्किप कर लीजिए, नहीं तो आपका अपना सिम लगा लीजिए। देखिए इस स्टेप पर आपको क्या करना है, देखिए इस स्टेप में देखिए मेरा आ रहा है नीचे सेटअप ऑफलाइन, आपका सेटअप ऑफलाइन नहीं आएगा, क्योंकि आपको देना है यहाँ पर आपको अपना मेल आईडी और पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर नीचे क्योंकि मैं इसमें लॉगिन नहीं हूँ इसलिए मुझे ये सेटअप ऑफलाइन आ रहा है, लेकिन आपको नहीं आएगा, आपको सिम लगा लेना है, नहीं तो कोई भी वाईफाई के साथ फ़ोन को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, उसके बाद चलना है नेक्स्ट। आपको पूछेगा अपना पैटर्न पूछेगा, उसके नीचे लिखा हुआ होगा आपका यूज योर गूगल अकाउंट, तो उस स्टेट वहाँ पर क्लिक करके आप अपना मेल आईडी पासवर्ड देके ये सेटअप को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर लॉगिन नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं पूछ रहा है, मेरा सेटअप ऑफलाइन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर सेटअप ऑफलाइन में क्लिक कर लाऊँ। ठीक है, देखिए आपको ऐसे स्क्रीन आ जाएगा, जब आप दे देंगे ना अपना पासवर्ड वगैरह तो आपको ऐसे स्क्रीन आ जाएगा और यहाँ से आप आराम से सेटअप कर सकते हैं। ओके, अभी लॉक जो था पूरा अभी खुल चुका है। देखिए ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।